हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये हमारा थर्ड वीडियो है ऑन हाउ टू रीड न्यूज़पेपर पर। ये हमारा थर्ड वीडियो है। पहले हम दो पार्ट बना चुके हैं। पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि अपने हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड WH फैमिली को सर्कल करना है। पार्ट टू में आपने पढ़ा था कि प्रेपोजिशन के बाद या तो ING आ सकता है, या नाउन, या प्रोनाउन, या एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये बातें हमने पार्ट वन और पार्ट टू में पढ़ ली हैं। ये हमारा पार्ट थ्री है ऑन हाउ टू रीड न्यूज़पेपर पर। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने एक बात पढ़ी थी कि जो हमारी इमेजिनेशन है वो दो तरह की है, तो वर्बल है या नॉन वर्बल है। हमने एक बात क्या पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारा इमेजिनेशन है, या तो वो क्या है, वर्बल है, और या वो क्या है, नॉन वर्बल है। वर्बल का मतलब था जिसमें एक्शन दिखे, क्रिया दिखे, उसको हम बोलते हैं वर्बल, ठीक है ना। और जिसमें एक्शन ना हो वो होता है नॉन वर्बल। हमने पहले पढ़ लिया ये। अब हम इसी चीज को रीडिंग पे अप्लाई करने वाले हैं। अब देखो आगे हमें क्या पढ़ना है। देखो हमें ना क्या करना है, सब्जेक्ट क्या होता है ये बताना चाहिए, जो नेक्स्ट स्टेप है रीडिंग का। देखो सब्जेक्ट क्या होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट। जैसे मैं पेड़ की बात कर रहा हूँ, मैं ताजमहल की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जिसकी भी हम बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब जब रीडिंग करोगे ना तो जो सब्जेक्ट आएगा, जैसे मान लो इंडिया लिखा आया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मान लो मैं मान लो कि रिवर की बात कर रहा हूँ, मैं मान लो रेन की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में बात चल रही है आपके सेंटेंस के में, आपके वाक्य में, वो आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के जो अगला पार्ट होता है ना, या तो वर्बल होता है या नॉन वर्बल होता है। अगर सब्जेक्ट के अगले हिस्से के अंदर आपको क्रिया दिखे, क्या दिखे, वर्ब दिखे, तो वो क्या होगा, वर्बल होगा। अगर सब्जेक्ट के अगले हिस्से में क्रिया ना हो तो वो क्या होगा, नॉन वर्बल होगा, ठीक है ना। हमें क्या समझना है, जब आप सब्जेक्ट को देखोगे तो किसी भी सब्जेक्ट के अगले हिस्से में अगर क्रिया है तो वर्बल है, क्रिया नहीं है तो नॉन वर्बल है। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि क्रिया के फॉर्म कितने हैं, छह फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, सिक्स्थ फॉर्म है, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट के बाद कोई भी क्रिया की फॉर्म लिखी मिले आपको, या तो सीधी फॉर्म लिखी मिल सकती है, या पहले हेल्पिंग वर्ब लगा होगा और फिर क्रिया की फॉर्म लगी होगी, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको, वर्बल पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्बल पार्ट बोलेंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद कोई क्रिया नहीं है, नाउन पड़ा हुआ है, यानी कि क्रिया नहीं आ रही, तो वो क्या है, नॉन वर्बल है। पहले हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसी के एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले, ताकि और हमें क्लियर हो सके। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दिखता हूँ यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ से हम पता सकते हैं। विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट। अरे वो यहाँ पे क्या लिखा, विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट। एक मैं बोलता हूँ, एक और मैं लिखता हूँ, रूम हैज बीन केप्ट क्लीन। ये मैं बोलता हूँ, शी इज गॉर्जियस। तो ये मैं बोलता हूँ, दे वो ऑनेस्ट। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे समझाने के लिए, यहाँ पर मैंने बस बेसिक एग्जाम्पल लिखे हैं, दे वर ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखें, यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखे है विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली इज प्लेइंग, तो विराट कोहली की बात हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसके आगे क्रिया आ रही है, तो ये क्या बन गया, वर्बल बन गया, ठीक है ना। ऐसे द रूम हैज़ बीन, रूम की कमरे की बात हो रही हैज़ बीन केप्ट, हैज़ बीन की हेल्पिंग वर्ब, केप्ट का क्रिया आ गई, तो ये वाला पार्ट क्या, वर्बल है। ये सेंटेंस क्या बन गया, वर्बल बन गया। पहला सेंटेंस भी क्या बन गया, वर्बल बन गया। इसी तरह से शी इज गॉर्जियस। अब यहाँ पे गॉर्जियस तो एडजेक्टिव है, कोई क्रिया तो है नहीं, तो ये वाला शी क्या है, सब्जेक्ट है हमारा,
गॉर्जियस है वो, ये पार्ट बन गया नॉन वर्बल। ये क्या बन गया? नॉन वर्बल। दे वर ऑनेस्ट, तो यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है, तो ये बन गया नॉन वर्बल। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट के अगला पार्ट वर्बल है या नॉन वर्बल है। चलो ट्राई करके देखते हैं इसी चीज़ को। देखो इसी चीज़ को हम ट्राई करके देखते हैं, ये ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है, अब इसको पढ़ के देखते हैं। अब हमें क्या जज करना है कि हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वो वर्बल है या नॉन वर्बल है। द पंजाब गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे डिसाइडेड, अब देखो यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट की बात आ रही है, आगे डिसाइडेड लिखा आ गया, तो ये वर्बल बन गया, ठीक है ना। टू एक्सटेंड द कर्फ्यू, ये हमने पढ़ लिया, ये प्रेपोजिशन है, ये कंजंक्शन है। टिल मे वन, अ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन सेड, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, यानी कि सरकार का कोई नुमाइंदे ने कहा, आगे सेड आ गया, तो ये पार्ट वर्बल बन गया। द डिसीजन टेकन, तो डिसीजन लिया गया, ठीक है ना, तो ये वर्बल है। टेकन एट अ डिस चेयर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस मेंट टू चेक कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस एंड पर्टिकुलरली प्रिवेंट क्राउड ओवर क्राउडिंग एट मंडीज इन द मीन्स, यहाँ पे आप तो पढ़ोगे ना एट क्या प्रेपोजिशन है, इन क्या, तो मैं ये पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं अभी मेन काम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है ना। अरे देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह विल कन्वे, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है और आगे वर्बल पार्ट आ गया, ये क्रिया, वो करेंगे कन्वे करेंगे। द डिसीजन द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को निर्णय कन्वे करेंगे एट सैटरडे कॉन्फ्रेंस विद ऑल द चीफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे क्या लिखे है, स्पोक्स पर्सन सेड, स्पोक्स पर्सन ने कहा, तो यह पार्ट वर्बल बन गया, ठीक है ना। साइटिंग द ग्रिम प्रोजेक्शन अबाउट द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक इन अपकमिंग सेड, देखो द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, इसने कहा, तो ये पार्ट वर्बल बन गया। तो या तो आपका वर्बल बनेगा या नॉन वर्बल बनेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे द कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड, कैबिनेट ने निर्णय किया है, तो ये पार्ट क्या बन गया, वर्बल बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही आगे देखते हैं, एंड द टास्क फोर्स विल हैव 15 मेंबर्स, देखो टास्क फोर्स विल हैव 15 मेंबर्स, अब ये पार्ट नॉन वर्बल है, क्योंकि तो उसके पास होंगे, वो एक्शन नहीं दिखा रहा, ये नॉन वर्बल पार्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, द कैबिनेट ऑल्सो डिसाइडेड, कैबिनेट ने निर्णय किया, तो कैबिनेट के बाद डिसाइडेड, ये पार्ट वर्बल बन गया। कैबिनेट अप्रूव्ड, तो ये पार्ट वर्बल बन गया। देखो मोंटेक आलूवालिया विल हेड द कमेटी, तो ये पार्ट बन गया वर्बल। तो यानी कि आगे वाला पार्ट या तो वर्बल बनेगा या नो, जैसे कर्ब्स वुड ओनली डिले, तो ये क्या है, डिले करेगा, कर्ब क्या करेगा, डिले करेगा, तो ये वर्बल बन रहा है। देयर वॉज क्योर सुन, देयर वॉज क्योर सुन, ये नॉन वर्बल पार्ट है, ये क्या है, नॉन वर्बल है, ठीक है ना। देयर वॉज जनरल कॉन्सेंसस, नॉन वर्बल है ये। जैसे यहाँ पे लिखे हैं द रेस्ट्रिक्शंस वर असेंशियल, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, लेकिन आगे कोई क्रिया नहीं पड़ी हुई, तो ये नॉन वर्बल बन गया। कहने का क्या मतलब है, जिसकी आप बात करते हो वो होता है सब्जेक्ट, उसके आगे वाला पार्ट या तो वर्बल होता है या नॉन वर्बल होता है। तो धीरे धीरे आपको पढ़ना है, आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा, प्रैक्टिस करते रहना है। और अब आपने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, WH सर्कल करना है, और सेकेंड पार्ट में पढ़ा था प्रेपोजिशन के बाद आपने क्या करना है, या तो ING लिखा मिलेगा, या नाउन, या प्रोनाउन, या एडजेक्टिव प्लस नाउन। और ये हमारा थर्ड वीडियो हो गया, जो सब्जेक्ट है उसके बाद अगर क्रिया दिखे तो वर्बल है, अगर क्रिया नहीं है तो नॉन वर्बल है। ऐसा स्लो आपने हिंदी बनानी है, धीरे धीरे आराम आराम से, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आपको, थैंक यू।